ओम साई राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। आज का वीडियो मैं लेके आई हूँ कि शादी के 4 साल तक घर में कैद एक लेडीज, सर पे पल्ला रखने वाली, साड़ी में सिमटी, अचानक कैसे लाखों कमाने लगी और लाखों कमाते कमाते कैसे आज आपके सामने है। मैं औरों की कहानी नहीं बता रही हूँ, मैं अपनी खुद की कहानी बता रही हूँ। यकीन कीजिएगा ये वीडियो आप लोग को कुछ सीख जरूर दे जाएगी। जो भी लेडीज सोचती हैं कि मेरी तो बस यही किस्मत है, मेरे नसीब में यही लिखा है, जो हस्बैंड लाएंगे वही मैं खाऊंगी, वही अपने बच्चे को दूंगी, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती हूँ, मैं तो झाड़ू पोछा खाना के अलावा मैं कुछ कर ही नहीं सकती हूँ, यकीन मानिएगा मैं उस चीज़ पे विश्वास नहीं करती हूँ कि जो झाड़ू पोछा और या खाना बनाती हैं वो बहुत ही बेकार लेडीज हैं। मैं भी आज भी लाखों कमाती हूँ तो भी झाड़ू पोछा और खाना बनाती हूँ, लेकिन हम लेडीज़ को आज की महंगाई में ज़रूर कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो कोई रिलेटिव कर रहा है या फ्रेंड कर रहा है सेम काम कीजिए, लेकिन हमारी भगवान सबको अपना अपना क्षमता दिए हैं, कैटेगरी दिए हैं, अपने हिसाब से ज़रूर अपने और अपने फैमिली के लिए ज़रूर करना चाहिए। और मैं ये भी नहीं कहती हूँ कि घूंघट में रहने वाली आज भी मैं सर पे पल्ला लेती हूँ, जहाँ ज़रूरी होता है मैं लेती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब ज़िंदगी भर उस घूंघट के अंदर ही रह जाइए। और बस ये इसलिए मैं बोली, मैं सच में 4 साल तक एक तरह से सोचिए मैं कैदी थी। कैद मीन्स ये नहीं कि मैं जंजीर में कैद थी, लेकिन एक मकान रूम घर में रहना, कोई आना जाना नहीं होना, कोई रिलेटिव घर में नहीं आते थे, कोई नेवर नहीं आते थे, मेरी किसी से बात नहीं होती थी, थोड़ा बहुत कभी कभार मैं मम्मी के घर चली जाती थी, वो बहुत कम। और बस एक घर में ही, सोचिए घर क्या सोचिए, मतलब मैं काम करके एक रूम में ही कैद थी। आज एक रूम में कैद वाली लड़की, आप यकीन नहीं करेंगे, अपने फ्लैट में नहीं जाती हूँ, लेकिन भगवान ने उस रूम में कैद वाली लड़की को कई मकान दिए हैं। सच बोल रही हूँ, मुझे शौक नहीं है घर में रहना, मैंने भगवान से इतना मांगा भी नहीं था, लेकिन कहते हैं ना वक्त अच्छे बुरे सब कुछ दिखा देता है, कुछ चीज़ें का भगवान खुद आके बस बदला लिए हैं मेरे से। इतना मेरा दिल दुखता था, इतना दुखता था, कहते हैं ना किसी लेडीज़ को ताना देते हैं मायके में भी, मतलब वो लड़की का मायके का घर नहीं है और ससुराल वाले भी बोलते हैं कि ये तुम्हारा घर नहीं है, और आप यकीन नहीं करेंगे, मैं शब्दों में नहीं बता सकती हूँ, मेरे पास एक मकान नहीं, सच में कई लोग कहते हैं तुम्हारे पास तो फ्लैट पे फ्लैट है, लेकिन इतना आसानी से देखिए फ्लैट पे फ्लैट मिलता नहीं है। आप लोग के भी हस्बैंड, आप भी जेंट्स जो सुन रहे होंगे, जो भी मकान खरीद रहे हैं, इतना आसान नहीं है, उसके पीछे बहुत मेहनत है, दिन रात एक करना होता है, खून पसीना सच में एक करना होता है, और वो सब मैंने किया। और कैसे किया मैं थोड़ा सा स्टोरी बता देती हूँ। शादी के 3 साल बाद, मतलब मैं चलिए मैं स्टार्टिंग से बता देती हूँ, मेरी शादी 18 साल में ही हो गई थी और उसके बाद मैंने बीकॉम किया, और मतलब बीकॉम समझ रहे हैं ना, कॉमर्स मैंने ले तो लिया, लेकिन ट्यूशन का कुछ, जो लेडीज़ जो लड़की कैद थी वो ट्यूशन कैसे कर सकती थी, लेकिन थैंक गॉड कुछ मेरे स्कूल के फ्रेंड्स थे, उन लोगों ने मुझे हेल्प किया और मैं बीकॉम कर पाई। और सोचिए ससुराल में समझ सकते हैं पढ़ने का कहाँ माहौल होगा, वो भी मेरा कुछ ज़्यादा ही स्टोरी है ससुराल का, आप समझ गए होंगे, जो सर पे पल्ला रख रही है, जो घर में कैद है, किसी रिलेटिव से बात नहीं कर रही है, तो सोच सकते हैं पढ़ने का उस घर में माहौल नहीं होगा, लेकिन मैं फिर भी पढ़ी। और पढ़ने के बाद मैं और पढ़ना चाहती थी, बीकॉम का जब रिजल्ट आया तो मैं एमकॉम करना चाहती थी, मैं कोर्स करना चाहती थी। आज जो जुनून मेरी बेटी में मैंने दिया है, सोचिए मेरे
बेटी से भी ज़्यादा था उन दिनों में, 22 साल पहले। मैं बहुत कुछ करना चाहती थी, लेकिन ऐसा कुछ माहौल था कि कुछ लोगों ने मुझे डरा दिया और मैं कंसीव नहीं कर रही थी। एक हम लोग का भी मन था और भी कुछ कारण था, वो भी मैं नेक्स्ट मतलब लाती रहूँगी धीरे धीरे वीडियो कि मैं माँ क्यों नहीं बन रही थी शादी के बाद भी। तो लेकिन उसमें मुझे बोला कि अगर घर बसाना चाह रहे हो तो माँ बन जाओ, नहीं तो तुम्हारा तो अब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, शादी का लाइफ जो भी है। तो मैंने बोला कोई नहीं, अगर भगवान ने चाहा तो मैं माँ बनने के बाद भी कर सकती हूँ, जो जो अंदर मेरे आग थी, जो जुनून था मेरे अंदर, बाकी तो भगवान की मर्जी थी। मुझे तो कुछ नहीं पता था क्या होना है, तो लेकिन भगवान की कृपा कहिए कि जिस मंथ में चाह रही थी उस मंथ में माँ भी बन गई, और माँ भी बन गई। लेकिन सच बोलूँ, नसीब को नहीं बदल पाई, ना मैं अपनी ना मैं अपनी बेटी का। जैसे मैं कैद थी, मेरी बेटी सोचिए उससे भी ज़्यादा कैद हो गई, क्योंकि मैं तो अपने आप को संभाल भी लेती, थोड़ा सा मैं मैच्योर हो रही थी धीरे धीरे, मेरा भी एज ज़्यादा नहीं था, लेकिन मेरी बेटी बिल्कुल कैद हो गई, ना कहीं आना ना जाना, ना कोई रिलेटिव, मतलब बिल्कुल चुप चुप रहना। और मेरी जो बेटी है वो इतनी मतलब बहुत थोड़ा सा सहमी डरी सी रहती थी, थोड़ा सा आप समझ सकते हैं ना माहौल के बारे में, उतना खुल के नहीं बता पा रही हूँ। मेरी बेटी थोड़ी सी डरपोक टाइप की हो गई थी, और उसके लिए मुझे बहुत चिंता था कि मैं तो अपने लाइफ को नहीं चेंज कर पाई, अगर यही हालत रहा तो मेरी बेटी का भी फ्यूचर यही होगा। और एक दिन बस हम लोग डिसाइड किए, वैसे तो मेरे हस्बैंड जॉइंट फैमिली को निभाने के लिए उतना मेरा साथ नहीं देते थे, लेकिन कहते हैं ना, मैं वो भी वीडियो लाऊंगी कि अच्छा होना होता है तो भी सरस्वती जी किसी के जवान पे दे देते हैं, और ख़राब होना होता है तब भी दे देते हैं। उस दिनों मेरे हस्बैंड ने साथ दिया, और एक जॉब का इंटरव्यू आया, और वो खुद मुझे बेटी को साथ में, मेरी बेटी 1.5 साल की थी, साथ में बाहर खड़े थे, मैं इंटरव्यू दी। और मैं अब थोड़ा सा जल्दी जल्दी बोल रही हूँ, और मैं उसमें मतलब मुझे रख लिया गया, और स्टार्टिंग में तो कम ही सैलरी थी, 2004 में कितना होगा, लेकिन पेशेंस, हिम्मत, और एक दिन देखिए मेरा पेशेंस, हिम्मत और भगवान का आशीर्वाद कहिए, मेरी बेटी का त्याग कहिए, मेरे हस्बैंड का त्याग कहिए, सब कुछ का रिजल्ट आज ये है कि आज मैं अपना लाइफ तो बदल ही ली, मैं अपनी बेटी का लाइफ पूरा बदल दी हूँ, हस्बैंड का लाइफ बदल दी हूँ, दुनिया समाज में मैं बहुत नाम कमाई हूँ, और सच बोलूँ कुछ दुश्मन भी पैदा कर ली हूँ इस तरक्की और प्रोग्रेस की वजह से। कोई बात नहीं, थोड़ा दुख तो होता है, लेकिन कहते हैं ना, जहाँ आप अच्छा करेंगे, अच्छा होगा तो कुछ बुरे लोग भी मिल ही जाते हैं। कोई बात नहीं, लेकिन मैं बस ऐसे ही आगे बढ़ते रहूँगी। आई होप आप लोग थोड़ा सा सीखने को मौका मिला हो, और ऐसे ही कभी मत हिम्मत हारिए, कुछ ना कुछ कीजिए, और अपने बच्चे के लिए ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।